तो चलिए दोस्तों, परसेंटेज के लेक्चर सीरीज का तीसरा वीडियो आज कंटिन्यू है और फिर मैं वही बात दोहराऊंगा जैसा कि मैंने कहा था कि जो वीडियो बन रहा है उसके पहले वाला जितना वीडियो है उसके आप उसे आप अच्छी तरह से देख लें ताकि इस वीडियो का आप अच्छी तरह से समझ सकें, क्योंकि जैसे जैसे वीडियो बढ़ता रहेगा तो पीछे वाले का लेक्चर का यूज होता रहेगा, है ना। और फिर मैं एक बात ये दोहराऊंगा कि आप मेरे साथ बने रहें और इस वीडियो को जितना शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि मुझे ऐसा लगे कि आप इस लेक्चर को पसंद कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं आगे। जैसे मैंने कहा था कि फ्रैक्शन का भी मल्टीपल दे दिया जाता है, फ्रैक्शन का भी मल्टीपल दे दिया जाता है। जैसे 8 पूर्णांक 1/3%, ये तो आप जान चुके होंगे, 1/12 होता है। लेकिन मान लो किसी को 5 गुना करके दे दिया जाए तो कैसे होगा, देखिए 8 पूर्णांक 1/3% इज इक्वल टू 1/12, आपको अच्छी तरह से याद होगा। अगर मैं इसका 5 टाइम्स करूँ तो कितना आने वाला है, 8 × 5 = 40, ये 5/3 हो जाएगा। तो मैंने क्या कहा था कि फ्रैक्शन वाला पार्ट को अलग गुना करें, 8 × 5 = 40 हो जाएगा तुरंत ही। तो ये अगर इसको हम इधर गुना करेंगे तो कितना होगा, 3 से 1 बार लगेगा, 1 बार, शेष कितना बचेगा 2, तो 1 × 2/3, तो 8 × 5 = 40, 41 × 2/3%। या तो आप ऐसे गुना करें या तो हम फिर ऐसे भी कर सकते हैं, है ना, कि 8 × 5 = 40 और 1/3 क्या होगा, गुना करेंगे तो 5/3%। और अब देखें तो कितना बार लगेगा 3 से, 1 बार लगेगा, तो 1 इसमें ऐड कर दें, 40 × 1 = 41, 1 लगा के शेष कितना बचा था 3, 1 = 3, तो शेष कितना बचेगा 2, तो 41 × 2/3%। बोलिए कितना गुना हुआ था, 5 गुना, तो ये भी कितना गुना होगा, 5 गुना, तो बताइए कितना होगा, 5/12 होगा, कितना होगा बंधु, 5/12 होगा। यदि इसी तरह से मैं इसको आगे कंटिन्यू करूं, 7 टाइम्स कर दूं तो क्या होगा, सोचिए 7 टाइम्स करूंगा तो 8 × 7 = 56 और ये 7/3% होगा। तो बताइए ये हर से अंश बड़ा हो गया ना, तो 3 से कितनी बार भाग लगेगा, 2 बार, तो 2 इंटीजर इसमें आने वाला है ना, 2 पूर्णांक आने वाला है, तो ये पूर्णांक कहाँ जुट जाएगा, इसमें आ जाएगा, तो 56 × 2 = 58। और देखिए 3 × 2 = 6, तो शेष कितना आया था 1, तो 58 × 1/3% आ गया, ये 58 × 1/3% आ गया। तो ये कितना टाइम्स हुआ था, 7 टाइम्स, तो ये भी कितना टाइम्स होगा, 7 टाइम्स होगा, है ना। तो बताइए कितना होगा, 7/12 होगा, कोई दिक्कत, है ना। चलिए आगे देखते हैं इसे, है ना। इसी में और फ्रैक्शन का ही मल्टीपल में एक और हम लोग देख रहे हैं, देखिए 14 पूर्णांक 2/7%, बताइए कितना होगा, 1/7 होगा, कितना होगा, 1/7 होगा। यदि मैं इसको 2 गुना करूं तो इसमें कोई समस्या नहीं होने वाला है, क्योंकि 14 × 2 = 28 और ये 2 × 2 = 4, इससे छोटा ही रह गया ना, हर से छोटा रह गया, तो इसमें तो भाग लेगा नहीं, है ना, तो बस ऐसे ही रह जाएगा। तो इसका 2 टाइम्स कितना हो जाएगा, 2/7 हो जाएगा। अगर मैं इसको 3 टाइम्स करूं, 3 गुना करूं, तब भी कोई दिक्कत नहीं होगा, 14 × 3 = 42, 2 × 3 = 6/7 हो जाएगा, ये है ना, 2 × 3 = 6 = 6/7 हो जाएगा। बताइए तो 3 टाइम्स तो कितना होगा, ये 3/7 होगा। लेकिन जब 4 गुना करूंगा तो 14 × 4 = 56, 4 × 2 = 8 आने वाला है, तो यहाँ थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, है ना, 14 × 4 = 56, 4 × 2 = 8, 7%। बताइए तो 7 से कितना बार भाग लगेगा, 1 बार, है ना, शेष भी कितना आएगा, 1 आएगा। ध्यान दीजिए 7 से कितनी बार लगेगा, ये कितनी बार में लगेगा, 1 बार में, तो 1 इंटीजर कहाँ जुट जाएगा, यहां जाएगा, तो 56 × 1 = 57। और कितना बचेगा इसमें से, 1 बार लगेगा ना, 7 × 1 = 7, 1 तो यहां चला गया, और शेष भी कितना बचा है, 1 बचा है, 57 × 1/7%, इसका भी यूज एग्जाम में हो चुका है, है ना। तो बताइए इसका क्या होगा, × 4, तो ये 4/7 होगा, है ना। चलो इसे एक बार और देख लेते हैं,
अगर इसको हम 5 टाइम्स कर दें तो कितना होगा, सोचिए। 14 पचे 70 और 2 पचे 10, यानी कि इतना बटा इतना आ जाएगा। आप ही बताइए इसे क्या होगा। बिल्कुल सही, आप बिल्कुल सही ही सोच रहे होंगे। 7 से कितना बार लेगा, एक बार, तो एक कहाँ जुटेगा, यहां जुटेगा, तो 70 और 1 71 होगा, है ना। 71 और एक बार जो लगा था, तो शेष कितना आया था, 3। 7 कहिए 7 और शेष कितना आया था, 3। तो शेष को हम लोग ऊपर लिख लेते हैं, बताइए। तो इतना परसेंट का वैल्यू 1 टाइम्स था भाई, कितना टाइम्स था ये बताइए, कितना गुना था, 5 गुना, तो बताओ 5/7 होगा, है ना। तो ये जो परसेंटेज का जो ये चल रहा है, फ्रैक्शन वगैरह का जो कन्वर्जन चल रहा है ना, परसेंटेज से कन्वर्ट कर रहे हैं हम लोग इसको फ्रैक्शन में। तो ये इसका आज अंतिम लेक्चर है ये, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन का सिलसिला चालू करेंगे, है ना। तो आइए इसी में आगे देखते हैं। तो इसे आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लें, ताकि जब भी आप क्वेश्चन बनाएं, है ना, तो इसे इसमें आपका कलम रुकना नहीं चाहिए, अटकना नहीं चाहिए, है ना, अन्यथा एग्जाम में आपका समय बहुत ज्यादा लग जाएगा। ठीक है, तो आइए इसे इसी क्रम में आगे देखता हूं मैं। जैसे मैं कहूं कि 5 पूर्णांक 15/17%, 5 × 15/17% इज इक्वल टू व्हाट, क्या आपको याद आ रहा है? बिल्कुल 1/17 ही होगा, 1/17 ही होगा। चलिए देखते हैं फिर से, 5 पूर्णांक 15/17%, बताइए क्या ये याद है? अगर आप पिछला वीडियो देखे हैं तो ये बिल्कुल आपको याद होगा, 1/17 होगा। ठीक है, अब इसे दुगना करना है, बताइए। तो 5 × 10, अब 15 × 30/17%, तो 17 से कितनी बार लगेगा, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं इसे, है ना। आप इसे अच्छी तरह से देखें, इसको खूब प्रैक्टिस करें, ताकि इसमें कोई समस्या नहीं हो। ठीक है, चलिए। तो 17 से कितनी बार लगेगा, 1 बार, तो 10 × 1 = 11। अशेष कितना बचेगा बंधु, 13। क्या आपको डाउट है इसमें? नहीं। कितना गुना मैंने इसे किया, दुगुना, तो इधर भी मैं कितना गुना करूंगा, दुगुना करूंगा, तो बताइए कितना होगा, ये 2/17 होगा, 2/17 होगा, है ना। चले, अब मैं इसे तिगुना करने वाला हूं, तो बताओ 5 × 3 = 15, अब 15 × 3 = 45/17%, बताओ 17 से कितनी बार लगेगी, 3 बार तो लगेगा नहीं, कितनी बार लगेगा, 2 बार लगेगा, तो 17 × 2 = 34, तो जितनी बार लगेगा ये इंटीजर हो जाता है, तो इंटीजर कहाँ चला जाएगा, इसमें चला जाएगा, तो 15 × 2 = 17 और 17 × 34, शेष कितना आया था, 11, 17 पूर्णांक 1/17, यानी कि कितना आने वाला है ये बताइए, कितना टाइम्स हो गया ये, 3 टाइम्स, है ना। तो यानी कितना आ जाएगा ये, 3/17 है, 3 बाई कितना आएगा, 17 आएगा, है ना। चलिए आगे एक बार और इसे देखता हूं मैं। अगर मैं इसकी 4 गुना करूं, तो 5 × 2 = 20, अब 15 × 2 = 60/17%। आप समझ गए होंगे आशा करते हैं, 17 से कितनी बार लगेगा, 3 बार, 17 × 51, 17 × 51, तो 3 तो यहां चला जाएगा, लेकिन इसमें शेष कितना आएगा, 9, तो बोलिए 17 × 51, तो 3 कहाँ जाएगा, यहाँ, जितनी बार लगता है वो आगे जाता है, तो 23 हो जाएगा ये, और शेष कितना आएगा, 9, तो कितना होगा ये, इतना, तो बोलिए कितना टाइम्स था ये, 4 टाइम्स, 4 गुना था, तो इसका भी कितना गुना होगा, 4 गुना होगा, ये वाला 3 गुना था ना, और ये वाला कितना गुना, 4 गुना था, 4/17 हो जाएगा, है ना। तो इसे मैं बार बार प्रैक्टिस करा रहा हूं, ताकि आपको इसमें कोई समस्या नहीं हो, और इसे आप भी खूब प्रैक्टिस करें। इसे फिर से मैं बोल रहा हूँ, स्क्रीनशॉट करें और इस पर खूब प्रैक्टिस करें, और जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे आपका स्पीड उतना ही, एक्यूरेसी उतना ही हाई होगा, है ना। चलिए अगले
फ्रैक्शन की ओर चलते हैं। तो अगला फ्रैक्शन है पांच पूर्णांक 5/19, 5 इंटीजर 5/19%। आपको याद ही होगा कितना होगा ये, 1/19, 1/19 होगा। चलिए इसे दुगना करें, दुगना करेंगे तो क्या होगा बंधु बताओ, 5 दुनी के 10, 5 दुनी 10/19, इससे तो छोटा ही है ना, कोई समस्या नहीं होगा। तो यानी कितना हो जाएगा ये 2 टाइम्स, तो ये भी कितना टाइम्स, 2 टाइम्स, दोगुना होगा, 2/19 होगा। चलिए इसे तिगुना करें तो 5 3 15, और इसमें भी टेंशन नहीं है, 5 3 15, तो 15/19% बताइए, है ना। इसे छोटा है तो कोई समस्या ही नहीं, बस रहने दो, 15 पूर्णांक 15/19%, तो ये कितना गुना होगा, 3 गुना, तो बताइए 3/19। ये 4 गुना, तो बोलो 5 चौके 20, 20 यहां भी 5 चौके 20, तो यहां पर ही क्या हो गया भाई, इससे ये बड़ा हो गया, तो इससे बड़ा हो गया, तो क्या करें, 19 से कितनी बार लगेगा, एक बार 19 से कहेंगे 19, शेष भी कितना बचने वाला है, एक बचने वाला है। देखिए तो बी 19 से कहीं 19, तो एक बार कहां जाएगा, आगे जाएगा, है ना, इंटीजर 19 से कहीं 19, तो एक लगा ना, तो एक बार यहां जाएगा, शेष भी कितना बचा, 19 से 19 में से एक बचा, तो ये आपका आ गया इतना बराबर कितना गुना, 4 गुना, है ना, तो 4 गुना, तो 4/9, सॉरी 19 हो जाएगा ये, है ना, ये कितना गुना है, ये 4 गुना। चलिए एक बार इसे और देखते हैं, 5 गुना, है ना। आपको ये रटना नहीं है, है ना, आपको इस प्रैक्टिस करना है ताकि इस टाइप का आया तो आपको अनुमान लग जाए, और प्रैक्टिस करते करते आपके दिमाग में ये सेट भी हो जाएगा, है ना। चले, है ना, 5 5 के 25, और ये भी 25, और नीचे 19, बताइए हर से बड़ा है ना ये, तो कितनी बार लगेगा, भाग लगेगा इसमें, बिल्कुल लगेगा, कितनी बार लगेगा, एक बार, तो एक कहाँ जाएगा, आगे, 25 1 26, इसमें शेष कितना बचेगा, 19 से 19, तो शेष कितना होगा, 6 होगा, तो 26 पूर्णांक 6/19%, है ना। तो कितना होगा बंधु बताओ, कितना गुना था ये, 5 गुना, तो ये भी कितना गुना होगा, 5 गुना, तो बताओ कितना होगा ये, 5/19, है ना। तो इस तरह से आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं ना, और खूब अच्छे तरह से प्रैक्टिस करें, बार बार मैं बोल रहा हूँ, वीडियो नंबर 1, वीडियो नंबर 2 और ये वीडियो नंबर 3 है, तीनों को खूब अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें। जब मैं सवाल बनाऊं, तो जैसे मैं सवाल बनाऊंगा उस वक्त आपको अगर याद नहीं रहेगा तो बहुत परेशानी होगा। जैसे मान लो कि मैं इस तरह से कुछ दे दूं, 10% है, फिर 11% है, और उसका जब फ्रैक्शन आने लगेगा तो आपको उस तरह से समस्या का सामना करना पड़ सकता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इसे खूब अच्छी तरह से देखें, और इसको आगे जब सवाल चलेगा, अगले लेक्चर से सवाल चलेगा, तो उस लेक्चर में आप बिल्कुल शामिल होइए, है ना। और फिर से मैं एक बार बोल रहा हूँ, इस वीडियो को खूब शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, ताकि मैं आपके लिए हमेशा लगातार आपके साथ बना रहूँ, ठीक है। तब तक के लिए आपसे मैं विदा लेता हूँ।